फिलहाल आपको ये जानकारी दे दी कि दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज, और ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। एमपी के 3 नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ओमकार सिंह मरकाम इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के टिकटों पर मोहर लगती हुई उस बैठक के अंदर नजर आएगी, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती हुई नजर आ रही है, वैसे ही सियासी हलचल तेज होती हुई वहीं दूसरी ओर सुपर एक्टिव मोड में जमीनी स्तर पर कांग्रेस नजर आ रही है। कई विधायकों को लड़ाया जा सकता है चुनाव, सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस में भी एक बड़ी बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और सूत्रों के हवाले से ये बड़ा भी अपडेट आया है जहां पर विधायकों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। 2 बार में जारी कर सकती है कांग्रेस अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिकिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिकिल, कांग्रेस के लिए देखिए चुनौतियां बेहद ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर न केवल राज्य बल्कि केंद्र में भी कई बड़ी चुनौती है। ऐसे में उन प्रत्याशियों को अब मैदान में उतारेगी जिसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनावों पर पड़ता हुआ तमाम समीकरणों को बिठाता हुआ नजर आए। क्या कुछ खास रह सकता है आज की समिति की बैठक में? देखिए, शाम को 6 बजे दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होनी है, और मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। पीसीसी चीफ इसमें होंगे जीतू पटवारी, इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और आदिवासी नेता, और साथ ही साथ कमेटी में सदस्य जो हैं और काम सिंह मरकाम इसमें शामिल होंगे। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की लगातार तैयारियाँ जारी हैं, लेकिन टिकट को लेकर विचार मंथन जो है वो किया जा रहा है, और आज जो बैठक होनी है उसमें टिकट को लेकर ही बातचीत होनी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ है वो कहीं ना कहीं टिकट यानी चुनाव लड़ने से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी ने इस तौर पर साफ कह दिया था कि अगर जिस प्रकार से संगठन अगर जिम्मेदारी देगा उसे निभाना होगा, और आज क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसके लिए होल्ड किया गया था। हालांकि पहले से यह प्लानिंग की गई थी कि राहुल गांधी की यात्रा के पहले ही इस टिकट के जो वितरण कम से कम 7 से 8 सीटों पर कर दिए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ बातें ही और बातें रह गई और बीजेपी खासी आगे निकल गई। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो लगभग जो है मध्य प्रदेश से अब निकल चुकी है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब जो है टिकट को लेकर कवायद जो है वो शुरू की जा रही है। इसमें देखा जाए तो विधायकों को चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है कि साफ तौर पर जो पहली टिकट होगी उसमें बड़े नाम घोषित किए जाएंगे, मध्य प्रदेश के दिग्गजों के नाम होंगे। अगर हम सीटों की बातचीत करते हैं, सीटों में अगर हम देखें तो गुना जिसमें जयवर्धन सिंह का नाम यहाँ पर आगे चल रहा है, उसके अलावा छिंदवाड़ा का जो ट्रंप कार्ड है वो साफ तौर पर जगजाहिर है। साफ तौर पर यह कह दिया है कमलनाथ ने कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लिहाजा जो वर्तमान सांसद है नकुल नाथ वही इस बार जो है एक बार फिर चुनावी मैदान में सामने हो सकते हैं। अगर हम बैतूल की बातचीत करें तो बैतूल की मैं भी चुनाव की जो टिकट को लेकर जो है वो घोषणा हो सकती है। इसके अलावा झाबुआ एक सीट यहां पर सामने आई है जिस पर टिकट घोषित हो सकते हैं। तो ऐसी कुल मिलाकर देखी जाए तो 5 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को एक बढ़त यहां पर मिली थी, और विधानसभा चुनावों के आधार पर जो परिणाम सामने आया खासी अच्छी स्थिति में कांग्रेस के लिए आश्वस्त है। और ऐसी सीटें जहां पर बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।